हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपका टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शुरू किए थे और मैंने चार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर तक बताया था। मैंने यह बताया था कि हम लोग एनुअल वैल्यू को कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज की क्लास में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5, 6, 7 और 8 चार क्वेश्चन करेंगे और समझाते चलूंगा एकदम ध्यान से, स्लोली स्लोली। ठीक है, अच्छे से सीखेगा और लग रहा है कि हेल्पफुल है वीडियो, सजेस्टफुल है तो यार शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए तो वहां भी माइंड योर ओन सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है 5 नंबर में कि मिस्टर राम ओन अ प्रॉपर्टी। मिस्टर राम का एक अपना प्रॉपर्टी, इट्स एनुअल लेटिंग वैल्यू इज 80,000। देखिए एनुअल लेटिंग वैल्यू, ऐसा नहीं बोल रहा है कि रेंट मिल रहा है। लेटिंग वैल्यू जब ऐसा बोलेगा तो वह म्यूनसिपल के द्वारा सेट करते हैं, वह एमवी होता है। तो म्यूनसिपल वैल्यूएशन आपका 80,000 गिवेन है क्वेश्चन में। उसके बाद कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर, प्रीवियस ईयर, इट वाज लेट आउट टू अ टेनेंट ऑफ अ मंथली रेंट 7,000। तो यहाँ पे वह रेंट जो टेनेंट के द्वारा रिसीव होता है, एक्चुअल रेंट होता है, तो यहाँ पे 7,000 पर मंथ मिल रहा है। तो 7,000 पर मंथ और 12 मंथ का हम लोग का हो जाएगा 84,000, 84,000 हो गया। कह रहा है ही क्लेम द फॉलोइंग एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड बाय ही। म्यूनसिपल टैक्स पेड कर रहा है 8,000। यहाँ पे म्यूनसिपल टैक्स आपके क्वेश्चन में 8,000 दिया हुआ है। क्लियर, जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। एक्सपेंसेस फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट 600 मत जरूरी नहीं है। मेंटेनेंस अलाउंस से कोई मतलब नहीं है। फादर को कुछ चार्ज पे कर रहा है वो भी जरूरत नहीं है। और इसमें कुछ दिया हुआ ही नहीं, बस इतना ही दिया हुआ है। अब देखिए यार, यहाँ पे फेयर रेंट नहीं दिया हुआ है, बस म्यूनसिपल वैल्यूएशन और एक्चुअल रेंट दिया हुआ है। तो हम लोग का जीएवी के लिए क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बोलता है कि भाई जो ज्यादा होगा वही जीएवी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं है, फेयर रेंट गिवेन नहीं है और एआर और एमवी दिया होता है। इन दोनों में जो ज्यादा होगा वही आपका जीएवी बन जाएगा। तो जीएबी आपका 84,000 हो जाएगा। जीएबी क्या हो जाएगा, 84,000 हो जाएगा। चलिए इसे राइट डाउन कर लीजिए यहां तक। चलिए आगे बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या कर रहा है, द हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 1 मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो वैकेंसी आपका दिया हुआ है, तो वैकेंट था घर 1 मंथ का, और 1 मंथ जो वैकेंसी है, हम क्या सिखाए थे कि जब भी वैकेंसी दिया हुआ रहेगा, घर का वैकेंसी खाली जो जगह जिस समय रहेगा ड्यूरेशन, उसको एक्चुअल रेंट से निकालते। तो वैकेंसी कितना है 1 मंथ का, तो वह एक्चुअल रेंट से निकालेंगे। क्या चीज निकालेंगे, वैकेंसी एक्चुअल रेंट से। आगे देखिएगा, हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं यहां पे। आपके क्वेश्चन में हमने निकाल दिया ग्रॉस एनुअल वैल्यू 84,000 का। 84,000 हमने जीए भी निकाल दिया। क्लियर, वैकेंसी रहेगा तो पहले उसको माइनस करेंगे। वैकेंसी कितना था आपका 1 मंथ का, तो 1 मंथ का 7,000, क्योंकि एक्चुअल रेंट 7,000 है। एक्चुअल रेंट कितना है, 7,000 है। तो यहां पे आपका आ जाएगा 77,000, 77,000। अब यहां पे कह रहा था कि म्यूनसिपल टैक्स पेड कर रहा है, दिया हुआ था ना, देखिए इधर ध्यान दीजिए, कर था म्यूनसिपल टैक्स 8,000 है, तो म्यूनसिपल टैक्स को माइनस करेंगे। म्यूनसिपल टैक्स हम 8,000 माइनस कर देंगे तो 69,000 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे म्यूनसिपल टैक्स जैसे ही माइनस करेंगे, हम लोग का निकल जाएगा एनुअल वैल्यू। हम लोग का क्या निकल जाएगा, एनुअल वैल्यू, और रूल के हिसाब से 30% इसके बाद माइनस होगा। 30% डिडक्शन एज पर 24A। अब समझिएगा ध्यान से, 6 तरह का अलग अलग एक्सपेंस डिडक्ट होता था, लेकिन उसके जगह पे अब 30% अप्लाई कर दिया गया। तो 30% 24A के अनुसार से माइनस करेंगे ऑफ एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू का। तो एनुअल वैल्यू यहाँ पे आपका कितना है, 69,000, और इसका 30% कितना हो जाएगा, 20,700 माइनस कर देंगे, 48,300 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पे आंसर 48,300 दिया हुआ है। तो यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 बन गया। चलिए 6 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे। 6 नंबर कह रहा है, मिस्टर जोसेफ ओन हाउस
which is let out for a residential purpose. The construction of the house was completed June 2019. एनुअल लेटिंग वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन का, सारा चीज लिखते चलिए समझिए इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवेन रहेगा पहले उसको लिखते चलेंगे, ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर कह रहा है यहाँ पे एनुअल लेटिंग वैल्यू इज हाउस 96,000। तो यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्युएशन दे दिया है 96,000 का। उसके बाद बोल रहा है म्यूनिसिपल टैक्स पेड कर रहा है 20,000 रुपया। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा वैसे से लिखते रहेंगे। उसके बाद कर रहा है 24,000 व्हाइट वॉशिंग कोई जरूरत नहीं है, लोन के लिए लिया लिखा हुआ है लोन आगे निकालेंगे। सैलरी भी अर्न कर रहा है तो हम लोग का यहाँ पे जी ए भी 96,000 ही हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग निकालेंगे जीएवी 96,000 क्योंकि यही वैल्यू दिया हुआ है, वैकेंसी है नहीं दिया हुआ घर का। कह रहा था क्या चीज कि उसके बाद आपका म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, तो म्यूनिसिपल टैक्स अगर हम लोग माइनस करते हैं 20,000 का तो आ जाएगा 76,000, क्लियर। इसका माइनस करेंगे 30% डिडक्शन एनुअल वैल्यू का एज पर 24A 22,800 22,800 53,200 यह आपका निकल गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखिएगा आगे यहां पे निकल गया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना निकला है आपका 53,200। आगे लोन लिया था 30,000 का, 12% इंटरेस्ट इसका, तो इंटरेस्ट ऑन लोन देखिए पहले असेसमेंट ईयर का निकालेंगे, तो असेसमेंट ईयर यहां देखिएगा 1/4/2017 को लोन लिया था ना पहले, 30,000 का 12%, तो 30,000 का 12% डायरेक्ट निकल जाएगा, तो 3,600 का इंटरेस्ट लोन असेसमेंट ईयर का हो गया। और प्रीवियस ईयर का भी लोन का कैलकुलेशन करेंगे, समझिए मेरी बात को रूल ध्यान से, प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे। देखिए असेसमेंट ईयर का जो इंटरेस्ट ऑन लोन निकला है, असेसमेंट ईयर का जो इंटरेस्ट ऑन लोन निकला है पूरा 3600, इसका रूल है डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5 और इनटू ड्यूरेशन। देखिए पहले इसका ड्यूरेशन देखिए कितना आएगा, लोन कब लिया था ये, सत्रह से अठारह, अठारह से उन्नीस, 2 साल हो रहा था ना, तो इनटू 2 समझिए, 1 अप्रैल 2017 को लोन लिया है और हाउस 2019 में कंप्लीट है 19 में, तो 17 से 18 एक साल और 18 से 19 दो साल का हम लोग निकाल लेंगे। तो 1440 आ जाएगा, ठीक है, 1440। अब माइनस कर दीजिए 53,200 में, आपका आ जाएगा 48,160 आ जाएगा। समझिए मेरी बात को पहले ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे जितना का लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो असेसमेंट ईयर के लिए भी निकालना है आपको, प्रीवियस ईयर के लिए भी निकालना है, ठीक है। तो
असेसमेंट ईयर के डायरेक्ट जितना का लोन है और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाई हम लोग कर देंगे, मतलब रेट बाई 100 मतलब करेंगे, आपका जितना का लोन लिया है 12% जितना परसेंट पे, तो 3600 आ गया। लेकिन प्रीवियस ईयर का कैसे निकालेंगे, जितना इंटरेस्ट ऑन लोन निकला है असेसमेंट ईयर में, इसका डिवाइडेड बाई 5 और मल्टीपल ड्यूरेशन ऑफ ईयर, जितना ड्यूरेशन टाइम है, तो यहाँ पे 17 से 19 में कंप्लीट हो रहा था, तो 17 से 18 और 18 से 19 2 साल का, तो 1440 आ गया। अब टोटल जितना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुआ उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे, तो जो आ गया वह हमारा हो जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्लियर। और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्या बोल रहे हैं कि मतलब सर और इनकम इसका दिया, समझिए ध्यान से मेरी बात को, पहले कह रहा है यहाँ पे इसका कुछ और भी दिया हुआ है, मिस्टर जोसेफ का कह रहा था कि वह अर्न कर रहे हैं 20,000 पर मंथ है सैलरी, तो सैलरी यहाँ पे सैलरी का होता है 20,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं, तो 20,000 × 12 टोटल अर्न कितना कर रहे हैं, 2,40,000 रुपया अर्न कर रहे हैं। और सैलरी वाले में रूल है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, SD स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसमें से 50,000 माइनस होगा, सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 होता है, तो 1,90,000 हो जाएगा। अगर पूछेगा कि मिस्टर जोसेफ का टोटल इनकम कितना है, तब हम ऐसे लिख देंगे टोटल इनकम ऑफ मिस्टर जोसेफ, देखिए ध्यान से इधर, वह घर प्रॉपर्टी से कितना रुपया टोटल कमा रहा था टैक्सेबल वाला, 48,160, तो 48,160 और प्लस यहाँ पे बिजनेस से कितना कमाया है नेट, 1,40,000 सॉरी 1,90,000, तो 1,90,000 लिख देंगे और दोनों को सम कर देंगे, जितना आएगा हम लोग का आ जाएगा 2,38,160, यही आंसर आपका आ जाएगा, दिया हुआ होगा 2,38,160, क्लियर। तो यह अब टोटल बन गया आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6। चलिए 7 नंबर में चलते बच्चे, ध्यान दीजिए, देखिए स्लोली समझिएगा और प्रॉपरली राइट डाउन करते चलिएगा, माइंड में कॉन्सेप्ट के साथ आपके जाएगा एकदम, और डाउट हो तो टेलीग्राम पे पूछ लीजिए, सर ये कैसे हो गया, यहाँ पे हमको समझ में नहीं, वापस हमको थोड़ा अच्छे समझा दीजिए, या फिर सर ऐसा समझा दीजिए कि हमको यहाँ पे बाउंस कर रहा है, तो भी आपको डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान दीजिए बच्चे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर कह रहा है कि मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ ए हाउस इन मुंबई, लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस कंसिस्टिंग ऑफ 2 फ्लैट डिफरेंट साइज। अच्छा, एक वो घर के ना 2 साइज में बांट दिया, बताए थे ना, देखिए एक वो घर था टोटल, थोड़ा ऐसे रीजनिंग टाइप का भी समझेंगे, समझ में आएगा। और कह रहा है कि 2 पार्ट में बांटा, एक वो मतलब 5,000 पर मंथ पे लगाया, दूसरा को 7,000 पर मंथ पे लगाया, तो जाहिर बात है भाई जो 7,000 दे रहा है उतना ज्यादा देंगे, तो एक वो लिया 5,000 पर मंथ पे और दूसरा ले रहा है 7,000 पर मंथ पे, क्लियर। आगे तो ये आपका एक्चुअल रेंट हो गया ना AR 2 यूनिट का, म्यूनसिपल वैल्यूएशन पूरे घर का 96,000 दिया, तो म्यूनसिपल वैल्यूएशन 96,000 है भाई, ज्यादा हो जाएगा AR ही, क्यों ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 60,000 इसका टोटल कितना हो जाएगा, 60,000 12 × 5 = 60,000 और दूसरा का 84,000, तो 1,44,000 आ रहा है, ये 96,000 है। आगे देख लेते हैं, नहीं FR नहीं दिया हुआ, SR नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो हम लोग को इन दोनों में से जो ज्यादा रहेगा वही GAV बन जाएगा। तो यहाँ पे पहले देखिएगा, पहले 2 यूनिट में बांट देते हैं, पार्टिकुलर फर्स्ट यूनिट और ये सेकेंड यूनिट। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो ज्यादा रहेगा वही ना GAV बनेगा, तो ज्यादा 5,000 पर मंथ वाला था, तो यहाँ पे 60,000 और 84,000, क्योंकि यही दोनों ज्यादा था, टोटल मिला के ज्यादा हो जा रहा था, म्यूनसिपल वैल्यूएशन से ज्यादा हो जा रहा था। अब वैकेंसी है दिया हुआ, कह रहा था द सेकेंड फ्लैट वाज वेकेंट फॉर 3 मंथ ड्यूरिंग द ईयर, ये बोल रहा है कि दूसरा फ्लैट जो था वो 3 महीना के लिए वेकेंट था, वैकेंसी माइनस करेंगे, 3 मंथ था ना, तो 7 * 21,000 का, अब वैकेंसी में से माइनस करेंगे म्यूनसिपल टैक्स,
म्युनिसिपल टैक्स घर का दिया हुआ है 15% लिखा हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स बोल दिया 15% है। अब एक बात बताइए, हम आपको क्या बताए थे कि म्युनिसिपल टैक्स जब भी परसेंटेज वाले फॉर्म में देगा तो हम उसका रेट निकालेंगे। हम उसका क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। तो 96,000 का 15% यहां पे देखिए 14,400 आ रहा। देखिए 96,000 का म्युनिसिपल टैक्स आपका 96,000 का 15% 14,400 आ गया। इसको दो फ्लैट में बांटना है ना, तो 5:7 में बांट देंगे। तो पहला फ्लैट का फर्स्ट यूनिट का म्युनिसिपल टैक्स क्या हो जाएगा, 14,400 इंटू 5/12, और सेकेंड यूनिट का 14,400 का 7/12, छह हजार इसका हो जाएगा। इसका 8,400 हो जाएगा। इसका हम लोग 6,000 म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे, इसका 8,400। तो एनुअल वैल्यू आ जाएगा घर का 54,000, 54,600। ये दोनों आ गया एनुअल वैल्यू। अब आगे देखिए, एनुअल वैल्यू आ गया यहां पे कितना कितना आया था, एनुअल वैल्यू 54,000 और 54,600। पहले यूनिट का 54,000 था और दूसरा यूनिट का 54,600 आ गया। एकदम समझते चलेगा वर्किंग नोट के हिसाब से। अब कह रहा था क्या यहां पे कि लोन लिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया है यहाँ पे 10% के हिसाब से दिया हुआ, 10,000 हुआ ठीक है। और 2015 में लोन लिया था और कंप्लीट कब हुआ, 18 में। देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है 1,00,000 टेकन ऑन 1/4/2015, 1 अप्रैल 2015 को लोन लिया था, और हाउस कंप्लीटेड यहाँ पे दिया ऊपर में ही दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2018 को कंप्लीट हो गया था। तो 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 3 साल तक प्रीवियस हो रहा है। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट यहाँ कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,00,000 का 10% असेसमेंट ईयर के लिए 10,000 निकला, और प्रीवियस ईयर के लिए कैसे निकालेंगे क्या बताएं, कि जितना इंटरेस्ट ऑन लोन निकला है उसका डिवाइडेड बाय कितना, 5, और मल्टीपल ड्यूरेशन ईयर, तो 3 साल हो रहा है ना, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, तो इंटू 3, तो टोटल 6,000 हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकल गया, 16,000। तो यहां पे इंटरेस्ट पहले 30% माइनस कर लेते हैं, -30% एज पर 24A, तो 54,000 का निकालेंगे भी पहले। तो सोलह हजार 200 हो जाएगा यहां पे, और यहां 16,380। क्लियर। माइनस करेंगे, सैंतीस हजार 800, अड़तीस हजार 220, ये हो गया। अब माइनस करेंगे बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 16,000 को भी तो बांटेंगे ना यार 3 रेशियो में, क्योंकि 16,000 हो गया, तो 16,000 को 2 रेशियो बांटेंगे 5:7 में, क्योंकि उसी हिसाब से चल रहा है। तो 5/12, 6666, 6666 इंटरेस्ट ऑन लोन है, और दूसरा आपका 16,000 का 7/12, 9,3334,
यहां पे आ जाएगा 9334, माइनस कर दीजिए तो 37,800 और प्लस यहां पे माइनस 6666, 31,134। क्लियर? नाइन थ्री थ्री फोर 28,886। क्लियर? यह हो गया कंप्लीट आपका। यह दोनों टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये निकल गया आपका। अब बोलेगा सर ये दोनों अलग अलग निकला और आंसर में हम लोग का दिया हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 60,020, 60,020 मतलब 60,020 आ रहा है, तो आपका आंसर अलग आ रहा है। देख लीजिए आप, ये एक ही घर था ना, टोटल घर का दिया हुआ, तो टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल बराबर, तो पहले कितना है 31,134 और प्लस 28,886, जोड़ दीजिए आंसर आपका आ जाएगा 60,020, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर? और यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 कंप्लीट हो गया। राइट डाउन करते चलिए, कहीं डाउट लग रहा है तो बताइए, बताएंगे। ठीक है, 7 नंबर कंप्लीट हो गया, चलिए 8 नंबर, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चे, 8 नंबर में क्या बोल रहा है आपका, सब दिया हुआ है, पहले लिख लेते 8 नंबर का। क्वेश्चन में कह रहा है फेयर रेंट, फेयर रेंट दिया हुआ है आपका 80,000 का, जो गिवेन है पहले राइट डाउन करते चल रहे हैं। एक्चुअल रेंट रिसीव 72,000, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 72,000 का। म्यूनसिपल वैल्यूएशन 50,000 दिया हुआ है और आपका स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 60,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे इन चारों में पहले क्या था कि अगर स्टैंडर्ड रेंट को एफआर या एमवी दोनों में से कोई भी अगर क्रॉस करेगा तो दोनों इनवैलिड हो जाएगा। तो यहां पे एसआर को देखिए एफआर क्रॉस कर दिया है, तो आपका एफआर और एमवी या दोनों क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ये दोनों क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, अब एआर और एसआर में जो ज्यादा होगा वही जीएबी बनेगा, तो यहां पे फॉर्मेट बना लेते हैं, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग का हो गया 72,000, क्योंकि ज्यादा 72,000 है। क्वेश्चन में वैकेंसी दिया हुआ है, देख लेते हैं, नहीं दिया हुआ है, देखिए ऊपर में दम दिया हुआ है यार, थोड़ा समझिएगा। म्यूनसिपल टैक्स 20% दिया हुआ है और इंटरेस्ट दिया हुआ 18,000 रुपया। वैकेंसी नहीं है तो इसके बाद हम लोग डायरेक्ट माइनस कर देंगे म्यूनसिपल टैक्स को, तो 72,000 है ना यहाँ पे हम लोग का जीएबी, और 20% म्यूनसिपल टैक्स बोला हुआ है, तो म्यूनसिपल का म्यूनसिपल वैल्यूएशन का 20%, तो 50,000 का 20% कितना हो जाएगा, 10,000। म्यूनसिपल टैक्स जो हो जाएगा वो म्यूनसिपल वैल्यूएशन 50,000 है, इसका एट द रेट 20%, तो कितना हो जाएगा, 10,000 होगा, 62,000 यहाँ पे हो गया। और यह हम लोग का निकल गया क्या, एनुअल वैल्यू माइनस कर देंगे 30% डिडक्शन एज पर 24A, तो यहां पे 62,000 का 30% कितना आ जाएगा, 62,000 का 30% 18,600, तो 62,000
माइनस 18,600, 43,400, 43,400 आ जाएगा। फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड आ गया। और अब ये आपका क्या निकल गया अभी, इनकम ना, इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से इनकम हुआ। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया हुआ था 18,000 का, तो माइनस कर देंगे 43,400 टोटल है, ठीक है, और माइनस कर देंगे इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना था इंटरेस्ट ऑन लोन 18,000 का, माइनस कर दीजिए 25,400, और यह निकल गया आपका क्या, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, देख रहे हैं कैसे बन रहा है, क्लियर, बनाइएगा यार। यहां तक कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, हम ना 8 तक कंप्लीट कर दिए, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब करके जाइए। और नोट्स चाहिए चैप्टर का, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो यार आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, नोट्स आपको सारा मिल जाएगा पीडीएफ में, ठीक है, बेनिफिशियल बेनिफिशियल है आपके लिए। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।